पुदीना मखाना घर पे बनाइए, बहुत ही सस्ते में और आसानी से, बहुत ही इजी सी रेसिपी है। 2 से 3 मिनट में आप बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे ले है मैंने घी, 4 से 5 चम्मच आप घी ले लीजिए। और यहाँ पे एक बड़ा बोल मैंने मखाने का लिया है। मखाना बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो इस बात आपको डेली बेसिस पर खाना ही चाहिए। तो यहाँ पर अगर किसी भी मखाने में इस तरह का कवर होना हार्ड सा, इसको आपको निकाल देना है। यहाँ पे आपको इसे लो मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनना है 3 से 4 मिनट के लिए, या तब तक ना जब तक ये अच्छे से क्रंची ना हो जाए। तो यहाँ पे आप इसे चलाते रहिए, छोड़िए मत, नहीं तो नीचे से बर्न हो जाता है। तो यहाँ पे ये अच्छे से क्रिस्पी हो गया है, मैंने 4 से 5 मिनट पका लिया है। तोड़ के आप देख लीजिए, इस तरीके से टूट जाता है। तो यहाँ पे हम इसे निकाल लेंगे। मखाने को अच्छे तरह से भूनना है, जलाए आप बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पे छोटे से मिक्सी जार में मैंने डाल दिया है पुदीना, सूखा हुआ पुदीना। आपको पुदीने को पत्ते को अच्छी तरह से धो करके 1 दिन के लिए आप न्यूज़पेपर बिछा के किसी भी रूम के अंदर या पंखे के नीचे छोड़ दीजिए, इतने में ड्राई हो जाता है। थोड़ा सा आपको हल्दी का पाउडर, यहाँ पे ऐसा काला नमक, बहुत ज़्यादा ना डालें। और यहाँ पे हम डालेंगे चाट मसाला 1/2 चम्मच या 3/4 टीस्पून के लगभग, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। यहाँ पे आप डाल दीजिए काली मिर्च, और इसके साथ ही आपको डालना है यहाँ पे सफ़ेद नमक थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा आप नमक ऐड ना करें। यहाँ पे इन चीज़ों को आपको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पे ये पुदीने का बहुत ही टेस्टी मसाला बन के तैयार हो गया है, जो कि इस मखाने के टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो सेम पैन में मैंने थोड़ा सा बटर डाल दिया है, यहाँ पे यानी पुदीने के पाउडर को डाल देंगे। हल्का सा आपको भून लेना है, इससे टेस्ट और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। यहाँ पे हम मखाने को डाल देंगे। अब आप लो फ्लेम पे चलाते हुए ना इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। पहले तो ऐसा लगता है कि जो पुदीने का पाउडर नीचे बैठ गया है, लेकिन आप इसे चलाते रहेंगे ना तो सारे मखानों में बहुत ही अच्छे से ऐसे लग जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया बनता है। मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, पर घर पे बहुत ही आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। और अच्छे से ठंडा हो जाने के बाद ना आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, शाम को चाय के साथ या फिर एज ए स्नैक्स आप इसे कभी भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिए, और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।